गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हम अनुवांशिक अभियांत्रिकी नामक चैप्टर पढ़ रहे थे। इस अनुवांशिक अभियांत्रिकी में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ लिया था। अब हम इसमें से जो क्लोनिंग जो आपने डीएनए की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने प्राप्त किया उसके विश्लेषण की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उस तकनीक में हमने पहला पॉइंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अध्ययन कर लिया था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अर्थात जेल वैद्युत कण संचलन, जेल वैद्युत कण संचलन, इस विधि के बारे में हमने पढ़ लिया था। हम सेकंड विधि पढ़ रहे थे जो कि क्या थी आपकी ब्लॉटिंग की तकनीक। ब्लॉटिंग तकनीक, देखिए ब्लॉटिंग तकनीक में क्या होता है, ब्लॉटिंग तकनीक के अंदर क्या होगा, जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक में आपको जो डीएनए के बैंड प्राप्त हुए थे, डीएनए के बैंड जिन्हें हम बोलते हैं डीएनए के खंड, जो आपको डीएनए के खंड प्राप्त हुए थे, इन डीएनए के खंडों को क्या किया जाता है, किसी फिल्टर पेपर पर प्राप्त किया जाता है, किसी फिल्टर पत्र पर प्राप्त किया जाता है। यह फिल्टर पत्र इन डीएनए के बैंडों को दर्शाता है जिससे हम मनवांछित डीएनए खंड को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो ब्लॉटिंग की तकनीक है, आप किस बायोमोलिक्यूल के लिए, किस जैव अणु के लिए काम में ले रहे हैं, उसके आधार पर ब्लॉटिंग की तकनीक तीन प्रकार की होती है। तो देखिए कौन कौन से तीन प्रकार है ब्लॉटिंग के, ब्लॉटिंग के तीन प्रकार पाए जाते हैं। एक तो है आपके पास सदर्ण ब्लॉटिंग, दूसरा है नदर्ण ब्लॉटिंग और तीसरा है यहां पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये तीनों ही प्रकार की ब्लॉटिंग की विधि अलग अलग जैव अणु के लिए काम में ली जाती है। जैसे जो सदर्ण ब्लॉटिंग की विधि है, इस ब्लॉटिंग की विधि के द्वारा डीएनए के अणुओं का विश्लेषण किया जाता है, डीएनए के अणुओं का विश्लेषण करने में काम में ली जाती है यह तकनीक। सबसे पहले इस सदर्ण ब्लॉटिंग तकनीक को ही खोजा गया था और इसे सबसे पहले ई.एम. सदर्न नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने खोजा था, ई.एम. सदर्न नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया। यहाँ पे हम जो फिल्टर पेपर काम में लेते हैं, यहाँ पर डीएनए के खंडों को जिस फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित किया जाता है, यह फिल्टर पेपर नाइट्रो सेलुलोज का बना होता है, नाइट्रो सेलुलोज से निर्मित फिल्टर पत्र पर जेल द्वारा डीएनए स्थानांतरित किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या हुआ, डीएनए के अणुओं का विश्लेषण किया जाता है। किसका विश्लेषण करेंगे हम, डीएनए के अणुओं का। किस वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई थी, ये ई.एम. सदर्न नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई थी और सर्वप्रथम ब्लॉटिंग में सदर्न ब्लॉटिंग को ही खोजा गया था। यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है वो किसका बना होता है, नाइट्रो सेलुलोज नामक पदार्थ का, रासायनिक पदार्थ का फिल्टर पेपर बना होता है। अब हम बात करते हैं नदर्न ब्लॉटिंग की। देखिए नदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, नदर्न ब्लॉटिंग में हम आरएनए के अणुओं का विश्लेषण करते हैं। किसका विश्लेषण किया जाता है, आरएनए के अणुओं का
विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए पहला अंतर तो यही हो गया कि सघन ब्लॉटिंग में डीएनए के अणुओं का विश्लेषण होता है, जबकि नदन ब्लॉटिंग में आरएनए के अणुओं का विश्लेषण होता है। किसके द्वारा खोजी गई थी? जो सघन ब्लॉटिंग थी वो ईएम सघन द्वारा खोजी गई थी, जबकि जो नदन ब्लॉटिंग थी यह आल्विन के द्वारा खोजी गई थी, आल्विन एवं सहयोगियों द्वारा। आल्विन एवं उसके सहयोगियों ने इसे खोजा था, क्लियर हुआ, द्वारा खोजी गई। यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है जिस पे आरएनए के खंडों को स्थानांतरित किया जाता है, यह फिल्टर पेपर नाइट्रोसेलुलोज का नहीं बना होता है, अपितु किसका बना होता है? अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल का। किसका बना होगा? अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल अमीनोबेंजल ऑक्सीमिथाइल से निर्मित फिल्टर पेपर पर जेल से, जेल कौन सा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो जेल काम में लेते हैं वो वाला जेल, जेल से आरएनए के खंडों को स्थानांतरित किया जाता है, क्लियर हुआ। तो हमने देखा नदन ब्लॉटिंग, नदन ब्लॉटिंग आरएनए के अणुओं के लिए काम में ली जाती है, और इसी के साथ जो यहाँ पे जो फिल्टर पेपर काम में लिया जाता है ये किसका बना होता है? अमीनो बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल से निर्मित होता है, यह है आपका नाइट्रोसेलुलोज का बना हुआ नहीं होता। आल्विन एवं इसके सहयोगियों ने इसे खोजा था, क्लियर है। अब हम बात करते हैं नदन ब्लॉटिंग की, सॉरी वेस्टर्न ब्लॉटिंग की। देखिए ये जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक है, यह तकनीक प्रोटीन के लिए काम में ली जाती है। किसके लिए काम में ली जाएगी? प्रोटीन के द्वारा या प्रोटीन के खंडों की पहचान करने के लिए कौन से काम में ली जाती है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो यहाँ पे किसका विश्लेषण होगा? प्रोटीन के खंडों का विश्लेषण किया जाता है, इस प्रोटीन के खंडों के विश्लेषण के लिए जिस वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? टॉबिन के द्वारा, टॉबिन एवं उनके सहयोगियों ने, टॉबिन एवं जो उनके साथ जो काम कर रहे थे उनके सहयोगी, उनके द्वारा इस तकनीक को खोजा गया। यहाँ पे जो फिल्टर पेपर काम में लिया जाता है यह फिल्टर पेपर नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन का बना होता है। जो फिल्टर पेपर है, जो झिल्ली है, वो किसकी बनी होगी? नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन से निर्मित फिल्टर पेपर। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए जो डीएनए के, जो प्रोटीन के अणु हैं, ये प्रोटीन के अणु बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। इन प्रोटीन के अणुओं को हमें क्या करना है? जेल में से गति करानी है, तो छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ेगा। छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए क्या करेंगे? जो प्रोटीन की बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला थी, प्रोटीन की बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, हमें पता है प्रोटीन किससे बना होता है? पेप्टाइड बंधों से, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? प्रोटीन की बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इस प्रोटीन की बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हमें किस में तोड़ना पड़ेगा? छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में। इस छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड को में तोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। तो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट की उपस्थिति में बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हम छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में तोड़ देते हैं, और उसके बाद उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक देखी। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है।
तो वेस्टर्न प्लॉटिंग में हम क्या करेंगे, प्रोटीन के खंडों का विश्लेषण करेंगे। चूंकि प्रोटीन के खंड बड़ी श्रृंखला के होते हैं, इसीलिए इन्हें छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने के लिए सोडियम टोडीसाइल सल्फेट का यूज किया जाता है। उसके बाद जेल में इन्हें डाला जाता है। कुछ समय के बाद जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएंगे, प्रोटीन के बैंड मिल जाएंगे, और इन प्रोटीन के बैंडों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या होगा आपके, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपको अलग अलग लंबाई के खंड मिल जाएंगे। यह जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यह भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों के लिए होती है। मेनली हम किसके लिए काम में लेते हैं, डीएनए के लिए। जैसे ही आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको डीएनए के बैंड मिल गए, अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर क्या रख देंगे हम, फिल्टर पेपर रख देते हैं। क्या रख देते हैं हम इसके ऊपर, फिल्टर पेपर। जैसे ये आपका एक जेल की आपको एक पट्टी प्राप्त हो गई है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, दूसरा फिल्टर पेपर लगा देंगे। ये देखिए आपने इसके ऊपर क्या किया, दूसरा फिल्टर पेपर रख दिया। मतलब कि आपने इस पेपर के ऊपर एक दूसरा पेपर इसके ऊपर रख दिया, और पेपर रखने के बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर वेट रख दिया, वजन रख दिया। जैसे आप इसके ऊपर भार रखेंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे जैसे आपके डीएनए के ऊपर खंड थे, वैसे ही खंड कहाँ मिल जाएंगे आपको, आपके फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाएंगे। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लॉटिंग की तकनीक कह दिया जाता है। क्लियर है? तो आज हमने ब्लॉटिंग की तकनीक देखी। अब देखिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो देखिए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीसीआर, पीसीआर इसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। जिसे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी कहा जाता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, देखिए ये जो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है, ये हमारे बायो जो टेक्निक्स थी इसमें सब बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है पीसीआर। इस पीसीआर की खोज के बाद वैज्ञानिकों का डीएनए की संख्या में वृद्धि करने के लिए बहुत से स्टेप्स या बहुत से पथ कम हो गए, और एक बहुत लंबा टाइम डीएनए की प्रतिकृति प्राप्त करने में किया जाता था। जैसे कि कोशिका के अंदर तो हमें पता है कि जैसे ही कोशिका विभाजित होती है तो संश्लेषण अवस्था में या एस अवस्था में, इंटरफेज में, डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। लेकिन यदि आप कोशिका के बाहर किसी डीएनए खंड को प्रतिकृतिकृत करना चाहते हो, डीएनए का प्रतिकृतिकरण करना चाहते हो, तो क्या करेंगे आप, इसे, इस डीएनए के खंड को आप किसी परपोषी कोशिका में डालेंगे। किसकी सहायता से, वाहक की सहायता से। तो क्या करेंगे हम, इस डीएनए खंड को वाहक में डालेंगे, वाहक के बाद परपोषी कोशिका में डालेंगे, और जब ये परपोषी कोशिका जनन करेगी तब जाके आपको आपके वांछित डीएनए खंड का प्रतिकृतिकरण प्राप्त होगा। तब जाके हमें क्या मिलती है, वांछित डीएनए खंड की प्रतिकृति। यदि हम बेसिक बोले सामान्य भाषा में, तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा किसी वांछित डीएनए खंड की प्रतिकृति को प्राप्त करने के लिए। पहले यही विधि काम में ली जाती थी, कब तक, जब तक कि पीसीआर की खोज नहीं हुई। पीसीआर की खोज होने के बाद हमें इतनी लंबी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम मशीन में की सहायता से, एक हमारे पास मशीन होती है पीसीआर मशीन, इस पीसीआर मशीन की सहायता से वांछित डीएनए खंड की लाखों प्रतिलिपियां, सैकड़ों या हजारों नहीं, लाखों प्रतिकृतियां बहुत ही अल्प समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या काम आता है पीसीआर, देखिए पीसीआर के द्वारा या इस तकनीक द्वारा डीएनए की एक प्रतिलिपि से डीएनए की एकल प्रतिलिपि से, अर्थात अगर आपके पास डीएनए का केवल एक खंड है, तो डीएनए की एकल प्रतिलिपि से अल्प समय में लाखों प्रतिलिपियां
प्राप्त की जा सकती है, क्या यूज हुआ पीसीआर का, डीएनए की एकल प्रतिलिपि से अल्प समय में लाखों प्रतिलिपियां प्राप्त करने में किया जा सकता है। हम रिसर्च में, फॉरेंसिक साइंस में, जहां पे डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग होता है, वहां पे इस पीसीआर तकनीक का बहुत उपयोग करते हैं। इसमें देखिए इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज की गई थी कैरीमुलस नामक वैज्ञानिक द्वारा। कैरीमुलस नामक वैज्ञानिक द्वारा इस तकनीक को खोजा गया। देखिए इस तकनीक को भारत में कौन लेके आया था, तो भारत में एक डॉक्टर लालजी सिंह थे जो कि सीडीआरआई लखनऊ के साइंटिस्ट थे। तो डॉक्टर लालजी सिंह द्वारा इस पीसीआर का जो भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, डॉक्टर लालजी सिंह को। इस तकनीक को भारत में कौन लेके आए थे, डॉक्टर लालजी सिंह जो कि आपके सीडीआरआई लखनऊ में कार्यरत है। तो इनके द्वारा पीसीआर को भारत में लाया गया था। ये जो इसमें मशीन काम में ली जाती है, यह मशीन एक थर्मोसाइक्लर है। कैसी मशीन है ये, थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर का थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को साइक्लिक मोशन में यानी कि चक्रीयकृत रूप से कम और ज्यादा कर सकने में सक्षम होती है। किस तरीके से ये पीसीआर मशीन काम करती है और क्या क्या इसके उपयोग है, वो हम कहाँ देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने क्या देखा कि पीसीआर के द्वारा डीएनए की एकल प्रतिलिपि से लाखों प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है, कैरीमुलस द्वारा इसे खोजा गया था और भारत में कौन लेके आया था, डॉक्टर लालजी सिंह। इसकी जो मशीन है वो कैसी मशीन है, थर्मोसाइक्लर मशीन है, यानी कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है और एक निश्चित चक्र में कम या ज्यादा कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।